वहीं अमित शाह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में आर्टिकल 35A के लिए 2020 को डेडलाइन बताया था। अमित जी, कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करना बीजेपी की मांग रही है, क्या आपको लगता है कि आप उसको इस बार फिर मैनिफेस्टो में लाएंगे और पिछले 5 साल में आपकी सरकार इस दिशा में क्या कर पाई? देखिए, जहां तक मैनिफेस्टो में लाने का सवाल है, 1950 से भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है। हमारा देश की जनता के प्रति कमिटमेंट, इसमें हमारा कोई बदल नहीं हुआ है। जहां तक क्यों नहीं हुआ का सवाल है, राज्यसभा में बहुमत नहीं है, मुझे लगता है 20 तक ये भी हो जाएगा। क्यों हो रही है इस तरह की गंदी सियासत? क्या आर्टिकल 35A की वजह से जम्मू कश्मीर की महिलाओं को उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उन्हें वंचित किया जा रहा है? दूसरी बात, ना वहां पे IIM ना IIT, कश्मीर घाटी में कहां पे कैसे प्रगति होगी अगर आप दरवाजे बंद रखेंगे? बीजेपी से प्रेम शुक्ला हमारे साथ है, राजनीतिक विशेषज्ञ विजय कौशिक हमारे साथ है और फोन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इमरान नबी डर साहब। ये आवाजें जो है ये उस वक्त बुलंद होती हैं जब पार्टियां विपक्ष पे होती हैं, पार्टियों को वोट चाहिए होते हैं, तब फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं स्टोन पेंटर्स आर नेशनलिस्ट। उमर अब्दुल्ला साहब को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन याद आता है जी। हेलो, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए आनंद जी, पहले तो आपने जब आप ये जो प्रोग्राम के स्टार्ट में बोला कि कुछ खानदान यहाँ पर राज कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको ये मतलब ये पता होगा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में आई है वो थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आई है, तो ये पहली बात तो आपकी बिल्कुल गलत है। खानदानी राज नहीं है, डेमोक्रेटिक राज है। 96 में या उससे पहले 83 हो 77 हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई है। 67 और 1988 भी गिनिए इमरान नबी डर साहब। 62 में हम डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं थे, हमने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, तब अनकंटेस्टेड इलेक्ट होते थे। लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप ये बताइए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या अब्दुल्ला फैमिली का कोई ऐसा जो है चीफ मिनिस्टर हो वो जो है विदाउट ड्यू इलेक्शन प्रोसेस वहां पे जो है चीफ मिनिस्टर बन के आई। ये कहा कि जम्मू कश्मीर की सियासत दो परिवारों के बीच हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP, जो भी है, मुफ्ती परिवार है और अब्दुल्ला परिवार है। पीपल वोट फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल वोट फॉर, अगर ये आप दूसरी बात है, अगर आप उसको इलेक्शन प्रोसेस को नहीं मानते वो अलग बात है। इलेक्शन प्रोसेस को तो मैं मानता हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जब इलेक्शन क्वेश्चन करता हूँ कि आप ये बोलते हैं कि खानदानी राज नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल तो दो परिवारों के बीच में ही है ना, भले ही आप इसे डेमोक्रेटिक कहें। 1988 में क्या हुआ था? आप कुछ देखिए, अरुण जेटली साहब का मैं ब्लॉग जो है उसमें वो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इज द प्रिंसिपल क्रिएटर ऑफ द जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम। सबसे प्रिंसिपल जो जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम के रचयिता है वो कांग्रेस पार्टी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्पेशल स्टेटस का किया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली इट वाज ब्रॉट इन 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू आया था, पार्लियामेंट ने इसे रेटिफाई नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि 1957, 62, 67 और 1988 के असेंबली इलेक्शन रिग हुए थे। अब आप बताइए, इसमें से कहीं पर भी शेख अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब इसके इसमें पार्टिसिपेट नहीं थे? आप बिल्कुल मैं मुझे आपने इतने सारे इल्जामात एक साथ डाल दिए। पहले सबसे पहली बात जी, मैं आपकी बात कि ये जो आप जो 35A या 370 की या स्पेशल प्रोविजन की बात कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको नहीं दिया। वी आस्क्ड फॉर इट एज अ प्रिंसली स्टेट, जो 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट है, नो प्रिंसली स्टेट निगोशिएटेड इट्स एक्सेशन विद द यूनियन ऑफ इंडिया देन एक्सेप्ट फॉर जम्मू कश्मीर। ठीक है, उस टाइम पे यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रोविजन हमने उनसे डिमांड किया, भैया ये मैंने नहीं किया, ये महाराजा हरि सिंह ने एक्सेशन का डॉक्यूमेंट साइन किया है और उस डॉक्यूमेंट में इन सब चीजों का मेंशन वहां पर हुआ है। और ये कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में जहां अपेंडिक्स है सर, 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद जिसमें 110 संशोधन हुए थे और जिसको आज तक कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स बिगेस्ट फ्रॉड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। चलिए वो सब छोड़िए, पर मैं आपसे कह रहा हूं उसमें लिखा क्या है आर्टिकल 370। वो तो बोलते रहे, नहीं नहीं सुनिए, मैं ये कह रहा हूं उसमें लिखा क्या है, जो उसमें लिखा है मैं उस पर आपसे बात कर रहा हूं इमरान साहब। ठीक है, उसमें क्या लिखा है? उसमें ये लिखा है कि इट इज टेम्पररी एंड ट्रांजिएंट।
ये 1954 टेम्पररी एंड ट्रांजिएंट कहा गया था। 1962 में जवाहरलाल नेहरू साहब ने खुद कहा है, पार्लियामेंट में कहा है कि देखिए अगले 2-3 महीने में इसकी जरूरत नहीं होगी, इसको हटा दिया जाएगा। आज हम 2019 में इसको परमानेंट क्यों मान रहे हैं? नहीं, आप सुन लीजिए ना पहले मेरी बात। उन्होंने टेम्पररी बोला था, साथ में आगे एक और वर्ड भी उन्होंने ऐड किया था। वो शायद आप बोल रहे हैं वो वर्ड बोलना, मगर हम भी वो नहीं बोलते हैं। बट वो वर्ड ऐड हुआ था। अब हम अगर उसके डिबेट में जाएंगे, दैट इज अ डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर। आज हम 35A के बारे में अगर हम बात करेंगे, या अगर उमर साहब ने जो कल परसों स्टेटमेंट दी, या डॉक्टर साहब ने कोई स्टेटमेंट दी, ये कोई नई बात नहीं कही है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक प्रिंसिपल स्टैंड रहा है। लड़ाई झगड़ा नहीं, मैं आपसे यू नो कल्चर डिबेट एंड स्ट्रक्चर डिबेट करना चाहता हूँ। सीरियसली, एंड आई एम आस्किंग यू, अब 35A के आप संशोधन ही देखिए। 35A इजंट इट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेपरेशन? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए आप कह रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते 35A के क्लॉज की वजह से। जम्मू एंड कश्मीर की औरतें जो हैं, अगर वो जम्मू एंड कश्मीर से बाहर किसी से निकाह करती हैं, तो उनके जो राइट्स हैं बतौर शरीयत, बतौर इस्लाम, वो भी डिनाई हो जाते हैं। ये कैसे फेयर है? दूसरी तीसरी बात, अब आप बताइए वहां पर IIM IITs क्यों नहीं हो श्रीनगर में? क्यों नहीं हो श्रीनगर में इन्वेस्टमेंट्स? क्यों नहीं हो श्रीनगर में कारोबार? पर कोई कारोबार कैसे बचाएगा जब आप उनको किसी को वहां बसने ही नहीं देंगे? इंटरनेशनली देश से बड़े बड़े स्कॉलर्स डॉक्टर्स आकर वहां बस नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप उनको अलाउ नहीं करेंगे। कश्मीर में क्या सिर्फ कश्मीर में? अब आप देखिए वाल्मीकि वर्ग से IAS करके आती है, UPSC एग्जाम से आती है बाहर, उनको कहा जाता है कि देखिए आपका काम जो आपके वर्ग का काम है वही है, आप तैयार है नहीं, मतलब आप ये सब फेयर कैसे हो गया बताइए। चलिए मैं वही बोल रहा हूँ कि आप एक सीनियर जर्नलिस्ट है, आई रेस्पेक्ट यू अ लॉट। आपकी जुबान से ये बात नहीं निकलनी चाहिए कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। बिफोर मिलिटेंसी 1989 थ्राइविंग इकोनॉमी थी J&K, एज इफ यू रिमेम्बर। अगर आप तब के डेवलपमेंट इंडेक्स देखेंगे तो नंबर वन पे था J&K एज फार एज इकोनॉमिकल इंडेक्स इज कंसर्न। आज के एजुकेशन पे भी सबसे आगे था, आज भी है। आप सुन लीजिए ना, पहले मुझे आप बात करने का मौका दीजिए। ये यहाँ पे 35A की वजह से डेवलपमेंट नहीं रुका है, ये यहाँ पे जो हालात खराब हुए हैं 87-89 से लेके अभी तक, उसकी वजह से कश्मीर में डेवलप। और दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि MNCs नहीं आ रही है, जम्मू में हमारी MNCs है, वहाँ कोको कोला का प्लांट है, कश्मीर में नहीं है। सुन लीजिए, जम्मू 35A का लक्ष्य कश्मीर को जम्मू कारगिल ले लद्दाख यहाँ पर ये सब कहें कि 35A की जरूरत नहीं है, तो आप मानेंगे इसको? ये जो आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि 35A की वजह से डेवलपमेंट नहीं है, सरासर गलत है और मतलब अनएक्सपेक्टेड है फ्रॉम अ रेप्यूटेड जर्नलिस्ट एंड फ्रॉम अ रेप्यूटेड। मैं आपसे आर्गुमेंट कर रहा हूँ, मैंने क्या कहा श्रीनगर में IIM नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा श्रीनगर में IIM नहीं है, श्रीनगर में IIT नहीं है। मैंने आपसे सिर्फ जम्मू की बात नहीं की, मैं तो कश्मीर घाटी की भी बात कर रहा हूँ। क्योंकि आर्टिकल 35A के ऊपर जो ये फियर साइकोसिस है और ये जो बिल्ड किया जा रहा है, ये खासकर कश्मीर घाटी के लिए किया जा रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं इमरान साहब, एनडीए गवर्नमेंट ने IIT और IIM जम्मू को दिया, बिकॉज वी डोंट, हमने डिमांड किया था कि हमको अगर IIT आप जम्मू को दें, IIM हमको मिलना चाहिए, लेकिन दैट डिमांड वॉज रिजेक्टेड। उसमें फिर हमने एम्स की डिमांड की, उसके बाद एम्स हमको मिला और जम्मू को भी मिला, हम इक्विटेबल। लेकिन जो सेंटर में गवर्नमेंट उनका बायस है, दरवाजे खोलिए, दरवाजे बंद क्यों करते हैं? हमने किसी ने बंद नहीं किया। अब आप बताइए 35A में कश्मीरी औरतों को, कश्मीरी औरतें अगर कश्मीर से बाहर निकाह करते हैं तो उनका राइट टू इनहेरिटेंस उनसे छीन लिया जाता है, ये फेयर है कि अनफेयर है? बताइए। पहले वो तो डेवलपमेंट की बात जो है वो आप मानते हैं कि वो गलत है? नहीं, डेवलपमेंट की बात नहीं, मैं नहीं मानता हूँ गलत है। क्योंकि आज भी देखिए, अगर किसी देर इज अ रिलेशन। अच्छा चलिए, आप मेरी बात नहीं मानते इमरान साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इमरान, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टे ऑन विद मी, आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ हैं, विजय कौशिक जी मेरे साथ हैं। प्रेम शुक्ला, आप क्या कहेंगे? वो कहते हैं 35A का डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं, इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं, मैं महिलाओं की राइट्स तक पहुंचा भी नहीं हूं। चलिए इसी पर बात करते हैं। कहते हैं ये RSS का एजेंडा है, BJP का एजेंडा है जो प्रोपोगेट हो रहा है, बताइए। देखिए, शेख अब्दुल्ला और उनके परिवार की पाकिस्तान परस्ती के कारण जो है बारंबार असत्य का दुष्प्रचार किया जाता है। पहली बात कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में 370 है, 35 ये है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जम्मू एवं कश्मीर की रियासत के राजा हरि सिंह के साथ भी उसी तरह से हुआ था जो अन्य रियासतों के साथ हुआ है, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत हुआ है।
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में, जिस तरह से जूनागढ़ के नवाब के साथ हुआ, या हैदराबाद के साथ हुआ हो, या भोपाल के साथ हुआ, या त्रावणकोर के साथ हुआ है, ठीक उसी तरह का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन राजा हरि सिंह के साथ भी हस्ताक्षर हुआ। अब दूसरी बात, अनुच्छेद 370 की जो बात करते हैं, अनुच्छेद 370 हमारे देश में जम्मू एवं कश्मीर की रियासत के विलय के लगभग 2 वर्ष बाद हुआ, और फिर स्पष्ट पहला शब्द ही जैसा आपने कहा वो अस्थाई, और स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संसद में खड़े होकर कहा कि अनुच्छेद 370 समय की धारा में छींचते छींचते खत्म हो जाएगा। जहां तक रही 35A की बात, 35A तो उस समय आया है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गद्दारी के आरोप में उमर अब्दुल्ला के पितामह शेख अब्दुल्ला को जेल में डाल रखा था, तो शेख अब्दुल्ला के लिए वो होली डॉक्यूमेंट कैसे हो सकता है? के पिता वाले। हाँ भाई, नहीं उनके उनके पितामह मैं कह रहा हूँ, पितामह उनके दादाश्री, दादाश्री उनके दादाश्री जब जेल में थे, जब वो कहीं से भी किसी तरह की संवैधानिक प्रक्रिया में हिस्सा बनने की स्थिति में नहीं थे, आप तिथि निकाल कर देख लीजिए 1954 में शेख अब्दुल्ला कहाँ थे, और जब शेख अब्दुल्ला उसके पार्टी नहीं है तो आप कहाँ से बता रहे हैं कि 35A संवैधानिक है? संवैधानिक बिल्कुल नहीं है, और जम्मू एवं कश्मीर में भारत का संविधान उन अन्य प्रदेशों की तरह ही लागू है। 35A के नाते जो है वैषम्य की स्थिति उत्पन्न हुई है, जातिगत आधार पर आप वहाँ से जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान से, वो पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ सफाई कर्मी की नौकरी कर सकते हैं, इससे बड़ा ये तो जो है दासता का जो प्रचलन चल रही थी या गुलामी का जो प्रचलन था, उस प्रचलन को आप जम्मू एवं कश्मीर में एक समता बंधुत्व के को संविधान में अपना मूल बिंदु मानने वाले संप्रभु राष्ट्र के एक राज्य में सफाई कर्मी का बेटा सिर्फ सफाई कर्मी हो सकता है, सफाई कर्मी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यवसाय में चला जाएगा तो अपनी नागरिकता खो देगा, इससे ज्यादा अन्यायकारी प्रोविजन क्या हो सकता है? कोई मतलब, चलिए प्रेम शुक्ला जी, आप बहुत देर बोलिए, आप लगाए इमरान नबी डर को काउंटर करने दीजिए, फिर विजय कौशिक जी के पास जाऊंगा। इमरान जी देखिए, आनंद जी सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी ने जो भी बातें कही, मतलब उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोई गारंटी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल कोई वैलिडिटी है ही नहीं, ये जो है अपनी थ्योरी बना बोल रहे हैं। कैसे नहीं, मैं तो सत्य बोल रहा हूँ, आप बताइए मैं कैसे गलत कह रहा हूँ। अच्छा चलिए, उनको अपनी दलील रखने दीजिए। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, एक्सेशन का डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए। प्रेम शुक्ला जी, उनको अपनी दलील रखने दीजिए, तो वो फोन पर हैं, उन्हें सुन लीजिए। 35A 1954 में नहीं आया है, 35A 1932 में आया है, जब महाराजा हरि सिंह, सुन लीजिए ना पहले आप, ये प्रॉब्लम है आरएसएस वालों के साथ, उनके हिस्ट्री को नहीं, पाकिस्तान के प्रेम शुक्ला जी रुकिए, प्रेम शुक्ला जी रुकिए, इमरान नबी डर को अपनी बात कहने दीजिए। देखिए प्रेम शुक्ला जी रुकिए, देखिए आप तथ्य को तथ्य से काउंटर कीजिए, इमरान नबी डर को अपनी बात कहने दीजिए जी। इमरान बोलिए, आप कह रहे हैं कि 1930s में आर्टिकल 35A उस टाइम पे फर्स्ट कॉल्ड प्रॉपर्टी राइट, ये राजा हरि सिंह ने अंडर जो उस टाइम पे रुके प्रेम जी रुके उस टाइम पे जो कश्मीरी लोग थे, प्राइमरी कश्मीरी पंडित, दे वेंट टू महाराजा हरि सिंह, और उस टाइम पे इन्फ्लक्स हो रहा था पंजाब से J&K स्टेट में, उन्होंने रिक्वेस्ट की वहां पर महाराजा जी से कि ये आप यहां पे एक कानून लागू करिए जहां पर एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी राइट्स मिले सिर्फ और सिर्फ J&K स्टेट वाले, और ये कानून उस टाइम पे आया। नहीं, पर ये कानून यानी आप खुद मान रहे हैं इमरान जी कि ये कानून जब आया तब भारत स्वतंत्र नहीं था, तब भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था। मैं स्वतंत्रता मैं इंडिपेंडेंस सुनिए मैं इंडिपेंडेंस के बाद 1947 और 1950 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तब प्रेम शुक्ला ने कहा कि 1954 में इसका इट वाज इंक्लूडेड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज एन अपेंडिक्स। तो फैक्ट वाइज ये जी, डू यू एग्री कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम बुक फॉर द होल कंट्री? इफ यू एग्री दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम बुक, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाई आर वी क्वेश्चनिंग दैट? No, we are not questioning that, but you would also agree, but आप ये भी मानेंगे, नहीं सुनिए, आप ये भी मानेंगे कि आप देखिए आज कहीं पर भी चले जाइए, सामान्य रूप से अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पर किताब खरीदेंगे तो ये जो अपेंडिक्स है ये कहीं मेंशन ही नहीं होता, क्योंकि इट इज एन अपेंडिक्स, दिस आर्टिकल 35 हैज बीन पुट इन एज एन अपेंडिक्स इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कैसे किया गया,
आप ये भी तो देखिए, एक तो ये टेम्पररी ट्रांजिएंट प्रोसीजर, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा संशोधन होते हैं जब समय से हम आगे बढ़ते हैं। आज अगर आप जम्मू एंड कश्मीर को पूरी तरह इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, फुल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो दरवाजे दोनों तरफ खुलने चाहिए इमरान साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ एक टेम्पररी ट्रांजिएंट पोजिशन था उस वक्त उसको किया गया बिना पार्लियामेंट के एग्रीमेंट के, बिना पार्लियामेंट में डिबेट किए, इसको डायरेक्ट एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की तरह कॉन्स्टिट्यूशन में फिट किया गया। इसको कई लोग जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो उसे फ्रॉड कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इनको नहीं मालूम है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर के जो जजेस हैं आज भी जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन पर सपोर्ट लेते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि उमर साहब, फारूक साहब सब ने तो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन पर शपथ ली है व्हेन दे बिकेम यूनियन मिनिस्टर्स इन प्रीवियस गवर्नमेंट्स। जब ऐसी बात हो गई तो आज ऐसी बात करना, इतने पैसेज ऑफ टाइम के बाद ऐसी बात करना, क्या ये सही है? क्या ये सही है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि वाई जेएनके इज बीइंग सिंगल आउट। आप देखिए 371A, B, C, D, E, F, G, ये सब प्रोविजन स्पेशल पावर अकॉर्ड करते हैं बहुत सारे स्टेट्स को। अगर आप हिमाचल में आपके प्रॉपर्टी राइट्स है, ये जो क्या नाम है, मणिपुर में है, नॉर्थ ईस्ट में है, है पर कहीं पर भी इस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कहीं पर भी। मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि जो जो संशोधन और जो जो आर्टिकल इंस्ट्रूमेंट किसी स्टेट में, वी आर नॉट यूनिक टू दैट। देखिए स्पेशल प्रोविजन तो है पर प्रोविजन, देखिए आनंद जी प्लीज, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि समय आ गया है कि सारे कलेक्टिवली ये कहें कि ये यूनिक स्टेटस सब जगह से हटना चाहिए, ये यूनिक स्टेटस। मेरा तो पॉइंट सिंपल है इमरान साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस भारत देश में हर स्टेट को एक होकर भारत बनना चाहिए। अलग अलग अपने आप को अलग अलग करते रहेंगे तो ये हमेशा इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेपरेशन होगा। इमरान साहब रुकिए मेरे साथ, अमित शाह बोल रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस का कहना है अंग्रेज चले गए, कानून छोड़ गए, अब कानून भी छोड़ दीजिए, अब आपको तकलीफ क्या हो गई? देखिए अगर ये तर्क है तो इंडियन पिनल कोड ही अंग्रेजों ने बनाया, तो जैसे ही स्वतंत्रता प्राप्त हुई एक इंडियन पिनल कोड नए तरीके से बनाया जाना चाहिए था। तो ये तो भयंकर कुतर्क है। और वो 124A जब से टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ श्री राहुल गांधी खड़े हुए हैं उसके बाद इनको खराब लगने लगा। उसके पहले तो ये जब इनका कांग्रेस का राज था तो जब एक कार्टूनिस्ट ने कार्टून बना दिया तो उसके खिलाफ देशद्रोह का कानून लगा दिया। पी चिदम्बरम के बेटे के खिलाफ किसी ने ट्वीट कर दिया उस पर देशद्रोह का कानून लगा दिया। श्रीमती सोनिया गांधी का किसी ने कार्टून बना दिया उस पर आपने देश को, दुरुपयोग तो आपने किया था। दुरुपयोग करने की बात करेंगे तो 498A का भी दुरुपयोग हो रहा है, 302 का भी दुरुपयोग किया गया है, ऐसे तमाम कानून है, यहाँ तक कि मकोका तक का दुरुपयोग कांग्रेस के तमाम जमाने में जमकर हुआ, टाडा का दुरुपयोग इन्होंने किया ही किया था। तो आप कृपा करके बताइए IPC की कौन सी ऐसी धारा है जिसका दुरुपयोग कांग्रेस के कार्यकाल में निर्दोषों को फंसाने के लिए नहीं किया गया? तो ये तर्क इनका जो है गलत है। लेकिन ये चूंकि टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हैं, चूंकि इनको नक्सलवादी प्रिय लगने लगे हैं, चूंकि इनका जो इकोसिस्टम है उसमें नक्सलियों के साथ खड़े होने वाले, आतंकवादियों के साथ खड़े होने वाले, पाकिस्तान परस्तों के साथ खड़े होने वालों की बड़ी संख्या है जो इस तरह के कानून के जद में आते हैं। अगर ये अंग्रेजों के जमाने का कानून है और अंग्रेजों ने ये कानून बनाया था तो 60 साल से ऊपर ज्यादा से ज्यादा तो विजय कौशिक जी कांग्रेस की सरकार थी, तब इन्होंने इसको बदला क्यों नहीं, तब इन्होंने इसको क्यों नहीं खारिज किया? इससे पहले कई बार संसद में, दोनों संसदों में इनके पास बहुमत तो था ही, कानून भी ये बदल सकते थे। आनंद जी, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देशद्रोह की परिभाषा ही नहीं मालूम है। अभी प्रेम शुक्ला, कांग्रेस पार्टी को तो मालूम है ना, आप ये मानते हैं कांग्रेस पार्टी को पता है देशद्रोह की परिभाषा क्या है? बिल्कुल मालूम है, मालूम है। तो नेहरू जी के कार्यकाल में क्यों बदला नहीं गया इसको? संशोधन करने की, नेहरू जी के कार्यकाल में क्यों नहीं बदला गया? महबूबा मुफ्ती, इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में क्यों नहीं बदला गया? महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा? राजीव गांधी जी के कार्यकाल में क्यों नहीं बदला गया? भाजपा और उनका नरसिम्हा राव के कार्यकाल में क्यों नहीं बदला गया? संशोधन करने वाले थे मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में क्यों नहीं बदला गया? कांग्रेस पार्टी आपका कानून में उसकी समीक्षा करने की बात करती है, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, भाजपा विरोध करती है। अरे मैं अरुणाचल प्रदेश में कल इन्होंने तीन जिलों से आप सभा को हटाया है। अगर आपको लगता है कि अंग्रेजों की छाप जो है जो हमारे देश को छोड़ गए हैं, मुझे मेरी बात रखने का मौका दीजिए, मूल की जो छाप है वो छोड़ गए हैं, मुझे अपनी बात रखने का मौका दीजिए। गलत बात, मैं अपनी बात कहूँ ना कहूँ, कहिए। देखिए बिल्कुल कानून की समीक्षा होनी चाहिए। अब इन्होंने तो पूरी IPC पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया कि जी इस कानून का दुरुपयोग किया कांग्रेस ने उस कानून का। भैया जी, आपकी सरकार शुक्ला जी क्या कर रही थी पिछले 5 साल से?
मुझे तो लगता है कि आपको इस हिसाब से हमने अनावश्यक कानूनों को हटाया है जब सुप्रीम कोर्ट कराया है जो दलितों के उत्पीड़न के मामले में कानून बनाता है कि किसी निर्दोष आदमी को बिना जांच के गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आतंकवादी कह रहे थे सरकार उस पर भी आपके चेहरे को मैंने कब किया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ की चाटुकारिता हमने आप देते हैं कि कोई भी व्यक्ति शिकायत हिंदू समाज को आतंकवादी कहने का तुरंत जो कलंकित कार्य कर रहे हैं कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं देखिए कानून जिन कानूनों कानून बनाने का कानून बनाने का जिम्मा किस पर है जो चुन के गए हैं संसद मैं वही तो कह रहा हूँ जिन्होंने अच्छे दिन दिखाने का वादा किया था मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ अच्छा सवाल करना चाहिए सुनिए तो सही विजय कौशिक जी पिछले 5 साल में इस मौजूदा सरकार ने ऐसे कितने कानून है जिनको खारिज किया है जिनकी जरूरत नहीं थी आप पता है आपको आंकड़ा पता है तो कांग्रेस भी तो यही कह रही कितने, है अरे कितने कानून अरे जो कानून मैं आपसे पूछ रहा मैं आपसे जो मैं आपसे सवाल दे फिर आप वही कर रहे हैं जब भी आपको सवाल कठिन लगता है तो आउट ऑफ सिलेबस चले जाते हैं देखिए आप चिल्लाने लगते हैं बरगलाने मैंने आपसे पूछा कितने कानून इन्होंने हटाए कम से कम 1500 कानून इन्होंने खारिज किए मैं आपसे पूछ रहा हूँ अगर सेडिशन लॉ गलत है टाडा आया और चला गया सुनिए तो सही टाडा आया और चला गया यूएपीए आया अभी भी बरकरार है जब यूएपीए आया उससे पहले इन्होंने सेडिशन लॉ को क्यों नहीं खारिज किया कर सकते थे नहीं किया पर इन्होंने क्या इसका प्रयोग भाजपा को सत्ता क्यों दी थी जनता ने क्या इन्होंने इसका उपयोग किया मैं सदुपयोग दुरुपयोग नहीं कहूंगा मैं कहूंगा क्या इनके नेताओं ने उनके कार्यकाल में इसका प्रयोग किया कि नहीं किया कश्मीर में सेना के ऊपर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ और चिदम्बरम अरे रुकिए तो सही तो इन्होंने उन सबको रिलीज कर दिया कि जी युवा है गलती हो गई मैं पूछ रहा हूं अरे दोहरे मापदंड में कौन शुक्ला जी देखिए अब वो जो कश्मीरी मैं आपसे पूछ रहा हूं जो देशभक्ति बन गए ये इनका फॉर्मूला है जब बदलाव करना चाहते थे तो 124A में बदलाव जो है 1980 के दशक में 1970 के दशक में 50 के दशक में 60 के दशक में 90 के दशक में क्यों नहीं किया गया 2000 के दशक में सब 2000 के बाद क्यों नहीं किया गया मैं तो ये पूछ रहा हूँ जब से संघ था या चलिए देखा अब मैं हम लोग 124A की बात कर रहे हैं अब ये चेंज कर पाए अब ये 370 की बात करेंगे आज भी जैसे चुनाव विजय कौशिक जी को जब सवाल कठिन लगता है तब ये आउट ऑफ सिलेबस चले जाते हैं जब ये ऐसा ये फॉर्मूला है इनका अब ये हर बार बहाल होता है।